क्या आपने नोटिस किया है कि आपका बच्चा आपको आई कांटेक्ट नहीं दे रहा? जब आप उससे बात करते हैं तो आपकी आंखों में देखने की जगह वो इधर उधर देखता है या अपने आप में लॉस्ट रहता है? अगर हाँ, तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज शेयर करने वाले हैं जिससे आप अपने बच्चे के आई कॉन्टैक्ट को बेटर कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी सारे वीडियोस की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। हाय, वेलकम बैक टू सेइंग। आई कांटेक्ट सोशल इंटरेक्शंस में एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, मगर अक्सर हमारे बच्चे आई कांटेक्ट देना अवॉइड करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे 8 ऐसी स्ट्रैटेजीज जो आई कांटेक्ट इंप्रूव करने में हेल्प करेंगी। मगर उससे पहले जानते हैं कि आई कांटेक्ट एक्चुअली बच्चे अवॉइड करते क्यों। आई कांटेक्ट कैन बी वेरी ओवरवेलमिंग फॉर आवर चिल्ड्रन। एक्चुअली फेशियल एक्सप्रेशंस को प्रोसेस करना बच्चे के लिए एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो उसको अवॉइड करने के लिए अक्सर बच्चे आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करते हैं। सोशल एंजाइटी भी इसका एक रीजन हो सकती है। अगर आसपास बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली अगर स्ट्रेंजर्स हैं, तो बच्चे आई कॉन्टैक्ट देना अवॉइड करते हैं। इसके अलावा सेंसरी सेंसिटिविटी भी एक मेन रीजन है बच्चों का आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करने का। बहुत ज्यादा सेंसरी स्टिमुलस जब बच्चों को मिलते हैं तो वो उसको भी बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं कर पाते हैं और उसे अवॉइड करते हैं। तो इसीलिए किसी भी स्टेप पर जाने से पहले आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जो बच्चे के लिए सूदिंग और काम हो, जहां बहुत ज्यादा सेंसरी स्टिमुलस ना हो, यानी कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें ना हो। सिर्फ ऐसी चीजें जिससे बच्चा फैमिलियर है और डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, वही मिनिमम चीजें उस जगह पर रखें। इसके बाद इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने बच्चे का आई कांटेक्ट इंप्रूव कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो 8 स्टेप्स कौन से हैं। सो नंबर 1, आपने सबसे पहले ये मेक श्योर करना है कि जब भी आप बच्चे को सिखाएं, जब भी आप उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आप उसके लेवल पे आके बात करें। ऐसा ना हो कि आपका लेवल ये है, आप इस लेवल पे है और बच्चा इस लेवल पे है। आई कांटेक्ट दोनों का बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, एक दूसरे के सामने, फिर उससे इंटरेक्ट करें। उसके अलावा आपकी सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आप बच्चे का ध्यान अपनी तरफ खींचे। यू शुड ग्रैब द चाइल्ड्स अटेंशन। अटेंशन ग्रैब करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन मेक फनी फेसेस टू ग्रैब द अटेंशन। आप अपने ईयर्स फ्लैप कर सकते हैं या फिर आप अपनी टंग आउट कर सकते हैं। यू कैन प्ले विद द टंग, कोई भी फनी फेसेस बना के ट्राई टू ग्रैब चाइल्ड्स अटेंशन। इसके अलावा आपके पास अगर कोई टॉय है या कोई ऐसी चीज है जो बच्चे को पसंद है, तो आप उसको अपने आईज के पास, फेस के पास ले जा सकते हैं। बोल सकते हैं, देखो मेरे पास आपके लिए क्या है, आई हैव समथिंग फॉर यू, एंड देन उसको आईज के पास ला के रिवील कीजिए, तो बच्चे की अटेंशन ऑटोमेटिकली आपके आईज की तरफ आएगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके थ्रू आप बच्चे की अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर सकते हैं। दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। नंबर 2, फेशियल स्टिकर्स। ये एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चे की अटेंशन ग्रैब करने का। यू कैन आस्क द चाइल्ड कि वो आपके फेस पर स्टिकर्स पेस्ट करे। अलग अलग जगह पर आप उसे बोल सकते हैं कि पुट अ स्टिकर ऑन माय चीक, पुट अ स्टिकर ऑन माय नोज, मेरी आईज के ऊपर एक स्टिकर लगाओ। इससे बच्चे को अलग अलग फेस के अलग अलग पार्ट्स इसकी वर्बल नॉलेज हो रही है, एज वेल एज बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेकर स्टिकर्स के थ्रू आप उसकी अटेंशन को ग्रैब कर रहे हैं। बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो आपको बच्चे के साथ कनेक्ट कराएगी और बच्चे के आई कॉन्टैक्ट को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। नंबर 3, पिकअबू। ये एक बहुत ही फनी और एंगेजिंग एक्टिविटी है जो बहुत पुराने टाइम से हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ करते आ रहे हैं। इसमें आप बच्चे के सामने जाते हैं, अपने फेस को ऐसे कवर करते हैं या तो हाथों से या फिर मदर्स अपना दुपट्टा लेके कवर करती हैं और फिर अचानक से बोलती हैं बू, पीका बू। तो इस तरीके से बच्चे की आई, जब भी आप ये करते हैं तो बच्चा हंसता है या फिर आपको आई कांटेक्ट देता है, बट अटेंशन आपको जरूर देता है। तो बहुत ही ट्राइड एंड ट्रस्टेड
एक्टिविटी है जिसको आपको अपने बच्चे के साथ जरूर ट्राई करनी चाहिए. यू विल लव इट एंड दे विल ऑल्सो लव इट. इसके अलावा एक और चीज है जो आप ट्राई कर सकते हैं, जो हम संयम के साथ भी बहुत ट्राई करते थे, वो ये कि आप बच्चे को टिकल करें. जब आप उसको गुदगुदी करेंगे तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि बच्चा उस टाइम पे आपको आई कॉन्टैक्ट देकर स्माइल करेगा. तो कीप ट्राइंग दिस एज वेल. नंबर 4, प्लेग्राउंड एक्टिविटी. जब भी आप बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम प्लेग्राउंड में स्पेंड करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है, ना सिर्फ उसकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए बल्कि आई कॉन्टैक्ट को इम्प्रूव करने के लिए भी आप इस टाइम को क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं. मेक श्योर अगर बच्चा स्विंग पर है, स्लाइड्स पर है, तो आप उसके सामने खड़े हो, साइड में नहीं. तो एवरी टाइम जब स्विंग आगे की तरफ आ रहा है, बच्चा आपकी तरफ देखेगा. जब स्विंग पीछे की तरफ जा रहा है, बच्चा आपकी तरफ देखेगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी टू इम्प्रूव द आई कॉन्टैक्ट ऑफ योर चाइल्ड एंड बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस. नंबर 5, इस एक्टिविटी में आप बच्चे के साथ जब प्यार से खेल रहे हैं तो उसका फेस पकड़ेंगे और फोरहेड टू फोरहेड अपना मिला के उससे बात करेंगे, या हम बच्चे के साथ कभी नोज टू नोज मिला के भी बात करते हैं. सो इसमें बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि बच्चा आपको आई कॉन्टैक्ट दे, और अटेंशन ग्रैब करने के लिए भी ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है. तो ज्यादातर जब आप दिन में बातचीत करते हैं बच्चे के साथ, कोशिश कीजिए कुछ कुछ बार फोरहेड टू फोरहेड टच करके, नोज टू नोज टच करके फिर बच्चे से बात कीजिए. नंबर 6, बबल ब्लोइंग एक्टिविटी. इस एक्टिविटी को अक्सर बच्चे बहुत पसंद करते हैं. एक सिंपल बबल ब्लोअर जो सोपी बबल्स प्रोड्यूस करता है, आप उसको यूज कर सकते हैं. और जब उससे बबल्स ब्लो करते हैं तो मेक श्योर बच्चा उसको ट्रैक कर रहा है. ये ऑटोमेटिकली होने लगेगा क्योंकि वो बबल्स इतने कलरफुल, इतने ब्यूटिफुल होते हैं कि बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते ही हैं. मेक श्योर कि आप बच्चे को बबल को ट्रैक करना सिखाएं. एक जैसे बड़ा बबल है, इट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो बच्चा साथ साथ में इसको देखता जा रहा है. बच्चे के लिए बहुत मजेदार एक्टिविटी है, लेकिन साथ ही साथ ये उनकी आई कॉन्टैक्ट को इम्प्रूव करेगा क्योंकि इससे आईज और ऑब्जेक्ट की ट्रैकिंग हो रही है. जैसे जैसे बच्चा इसमें इंटरेस्ट लेने लगता है, आप इस एक्टिविटी को रिपीट करते रहिए, बहुत ही मजा आएगा एंड इट विल बी अ फन प्ले टाइम फॉर देम. नंबर 7, लाइट एंड साउंड टॉय. ये एक बहुत मजेदार एक्टिविटी है जिसको संयम बहुत पसंद करता था. हम एक कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर देते थे और हमारे पास एक बॉल थी. दिस बॉल वॉज ये साउंड प्रोड्यूस करती थी और लाइट प्रोड्यूस करती थी, चमकती थी अंधेरे में. तो हम कमरे के डिफरेंट कॉर्नर्स में ले जाके इस बॉल को स्क्वीज करते थे. स्क्वीज करने पर साउंड और लाइट आता था. तो अलग अलग जगह पे कमरे में अचानक से अंधेरा है, कभी संयम के राइट हैंड साइड पे साउंड आ रहा है और लाइट आ रही है, कभी लेफ्ट हैंड साइड पे साउंड आ रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे. तो जहां पे भी ये साउंड और लाइट आता था, संयम का अटेंशन ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाता था. तो ये उसकी अलर्टनेस पे इसने बहुत अच्छा काम किया. उसके आई कॉन्टैक्ट को नेविगेट कर पाए हम जिस डायरेक्शन में हम चाहते थे वो. सो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बहुत मजेदार एक्टिविटी है, आप अपने बच्चे के साथ जरूर ट्राई कीजिएगा. बहुत से बच्चे डार्कनेस में कंफर्टेबल नहीं होते, तो अगर आपके बच्चे को भी अंधेरे से डर लगता है या अंधेरे में वो कंफर्टेबल नहीं है, तो आप इस एक्टिविटी को लाइट एंड साउंड टॉय की जगह एक सिंपल स्क्वीजी टॉय से भी खेल सकते हैं. कुछ ऐसे टॉयज होते हैं जिनको दबाने पे आवाज आती है, बहुत फनी, छोटी छोटी डार्क्स, छोटे छोटे और एनिमल्स आते हैं, दबाएंगे तो आवाज निकलती है. सो उन टॉयज के साथ भी आप बच्चे के साथ खेल सकते हैं. टॉय को बिल्कुल अपने फेस के पास ले जाके स्क्वीज कीजिए, उसमें से साउंड निकलेगा. देन बच्चा जब आप स्क्वीज करेंगे उसको, तो टॉय भी अट्रैक्टिव होगा, आवाज भी अट्रैक्टिव होगी, बच्चा ऑटोमेटिकली आपकी आंखों की तरफ देखेगा. धीरे धीरे करके आप इस टॉय को एज अ प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा इस चीज में अकस्टम हो जाएगा कि जब ये टॉय स्क्वीज करता है ये आवाज आती है, तो मैं अपने टीचर या अपने पापा या अपने मम्मी की आंखों की तरफ देख रहा हूं. अब अगर उसका ध्यान कहीं और है और वो किसी और एक्टिविटी में लगा हुआ है, अचानक से जब ये आवाज आएगी तो ऑटोमेटिकली बच्चा आपकी आंख की तरफ देखेगा. सो धीरे धीरे करके ये आपके लिए एक अच्छा प्रॉम्प्ट बन जाएगा बच्चे के आई कॉन्टैक्ट को गेन करने के लिए. डू ट्राई दिस. नंबर 8, फिंगर पपेट एक्टिविटी. एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. फिंगर पपेट्स इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, या फिर आप इसे घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं. चूज अ कलर जो भी आपके बच्चे का फेवरेट कलर हो, और चूज अ कैरेक्टर जो बच्चे का फेवरेट कैरेक्टर हो. इससे आप कोई भी स्टोरी सुना सकते हैं फिंगर पपेट्स के थ्रू, और पपेट्स की मूवमेंट करते हुए उसे अपने फेस के पास रखिए, ग्रेजुअली अपनी आईज की तरफ ले आइए. बच्चा फिंगर पपेट्स के साथ साथ
आपके ग्रेजुअली आपके फेस और आपकी आईज की तरफ दिखना सीख जाएगा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, डू ट्राई दिस। तो ये थे 8 पावरफुल इंटरेस्टिंग तरीके जिसके थ्रू आप अपने बच्चे के आई कॉन्टेक्ट पे काम कर सकते हैं। मेक श्योर कि इनमें से जब भी कोई एक्टिविटी आप करवा रहे हैं बच्चे के साथ कर रहे हैं, उस समय पे आप अपनी टोन को पॉजिटिव और एनकरेजिंग रखेंगे। हो सकता है कि शुरू शुरू में आपका बच्चा डायरेक्टली आई कॉन्टेक्ट नहीं दे रहा हो, आपकी आंखों में ना देख रहा हो, अगर वो चिन की तरफ देख रहा है या फिर फोरहेड की तरफ भी देख रहा है, देन ऑल्सो इट इज फाइन। धीरे धीरे करके जब वो कंफर्टेबल फील करेगा, उसको आंखों की तरफ नेविगेट कीजिए। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि वो कुछ समय के लिए आई कॉन्टैक्ट देने में कंफर्टेबल हो जाएगा और फिर उसको आप एनहेंस कर सकते हैं। एक और चीज जरूरी है कि जब भी बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स कर रहा है, आप उसको प्रेज करना ना भूलें, उसकी तारीफ करें, बच्चे को अच्छा लगेगा। उसे रिवॉर्ड करने के लिए आप उसके हाथ पे एक स्टार बना सकते हैं, सयम यूज टू लव इट, या कभी स्माइली बना सकते हैं, कुछ स्माइली स्टिकर्स भी आते हैं, आप वो दे सकते हैं। बच्चे को जो भी चीज पसंद हो उसको वो एज अ रिवॉर्ड दीजिए। आपका प्रेज, आपका प्यार बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। एक और चीज जिसका आपने बहुत ध्यान रखना है वो है पेशेंस। ये मत सोचिएगा कि जब आप बच्चे के साथ काम कर रहे हैं तो एक दिन या दो दिन के अंदर बच्चे का आई कॉन्टेक्ट आ जाएगा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि बच्चे के साथ सारी एक्टिविटीज एक ही दिन में करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा एक दो दिनों तीन दिन के अंदर ही हमें आई कॉन्टैक्ट देना शुरू कर देगा, विच इज नॉट द केस इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि अगर आप ओवरडू करेंगे बच्चे के साथ, तो बच्चा अगली बार उन एक्टिविटीज को करने में आपके साथ हिचकिचाएगा। सो पेशेंस रखिए, धीरे धीरे ग्रेजुअली थोड़े थोड़े समय के लिए एक्सरसाइजेस ये एक्टिविटीज कीजिए बच्चे के साथ। गिव इट एटलीस्ट 30-45 days टू डेवलप द आई कॉन्टैक्ट ऑफ द चाइल्ड फुली। काम करते रहिए बच्चे के साथ, पेशेंस के साथ, मेहनत के साथ और परसिस्टेंस के साथ, क्योंकि जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। सी यू वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद सम इंटरेस्टिंग कंटेंट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।